today was Dharmendra's birthday. What have you gifted him in special? Which is very special gift I have given. I don't think I can disclose it to you all. Salman Khan, meri nazar mein, is always the most handsome brother, handsome man, and wo kisi magazine ke cover pe aaye na aaye, mere liye to he's always the sexiest man alive. Hrithik Roshan, khair sabke chahte hain, aur Karan Johar ne abhi haal hi mein unhe launch kiya hua hai apni film ke liye, Agnipath ke liye. Ab kya lagta hai, aap kya bolna chahenge iske bare mein? Ji, iske bare mein Hrithik Roshan zyada keh payega, main kuch nahi keh paunga. Gandhiji has done a lot of great work in his lifetime for the development of our country. So, with a lot of love and respect, I accept this award. Thank you so much. I would like to thank Rajkir Rajiv Sena for bestowing this great honor onto me. I don't know whether I really deserve this so early in my life. Nevertheless, I never complained that I didn't get any award. I'm not going to complain that I did. Thank you. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद इस अवार्ड के लिए. नॉर्मली ये अवार्ड्स मिलते हैं तो हम लोग बहुत खुश होते हैं. कुछ लोग खुशी के मारे रोते हैं. मेरी मम्मी, मेरे डैडी, मेरे डायरेक्टर, लोग कैसे कैसे करते हैं. अच्छा लगता है हर कलाकार को उसकी कला को जब सराहते हैं तो अच्छा लगता है. लेकिन ये वो सारे अवार्डों से बढ़कर ये अवार्ड, इस अवार्ड का जवाब नहीं है. इसमें राजीव जी का नाम जुड़ा हुआ है. उनकी कुर्बानी को हम कभी नहीं भूल सकते हैं, हमेशा याद रखेंगे. मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इस अवार्ड को खुशी से, रोने से नहीं, फक्र से हासिल कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूँ. थैंक यू वेरी मच. बहुत अवार्ड जो मुझे मिला है बहुत ही, मेरे लिए बहुत ही अहम है. बहुत ही अच्छा लगता है किसी भी आर्टिस्ट को जो अवार्ड मिलता है. ये हमारे जो काम हम लोगों ने किया उसका रिकग्नाइज करके, अप्रिशिएट करके दिया जाता है. इसको मैं बहुत प्यार से वेलकम करती हूँ. इतना प्रेस्टिजियस, इतना राजीव गांधी के अवार्ड के नाम से जुड़ा हुआ जो अवार्ड है वो मुझे मिल रहा है. एंड आई, जैसे कि जॉनी लीवर साहब ने कहा कि इसको फ़ख्र से रखना चाहिए कि आई एम प्राउड ऑफ दिस अचीवमेंट एंड दिस अवार्ड. इट्स कॉल्ड द राजीव गांधी अवार्ड्स एंड आई फील वेरी प्रिविलेज कि आज मुझे एक बहुत बड़ा अवार्ड देने को बुलाया गया एंड आई एम हैप्पी. बहुत अच्छी बात है क्योंकि इट मोटिवेट्स अदर पीपल टू अचीव समथिंग इन लाइफ एंड आई थिंक दीज अचीवर्स हु हैव नॉट अचीव्ड देयर गोल्स बट दे हैव शोन अस अ पाथ दैट वेयर देयर इज अ विल
there is a way. मेरे लिए भी awards बहुत ही important होते हैं, लेकिन film का successful होना वो सबसे ज़्यादा important है. इस साल भी गोलमाल 3 successful रही है, और first और second part के लिए तो मुझे awards मिले ही हैं, लेकिन I hope इस बार nomination तो मिल जाए. So getting a nomination is as good as getting an award. तो देखते हैं क्या होता है. अभी तो रोशन खैर सबके चहेते हैं, और करण जौहर ने अभी हाल ही में उन्हें लॉन्च किया हुआ है अपनी फिल्म के लिए, अग्निपथ के लिए. अब क्या लगता है, आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? अब मुझे पता नहीं कि वही कहानी है कि कहानी कोई चेंज की है कि क्या है. जो भी है, करण जौहर अच्छे फिल्म मेकर हैं, ऋतिक रोशन अच्छे समझदार एक्टर हैं, कुछ सोच समझ कर काम कर रहे होंगे. सीक्वल जो दबंग का है वो ज़रूर बनेगा, एंड उसको when I'm ready to announce it and ready to shoot, I'll let you know. But ऐसा तो नहीं कि आज हमारी फिल्म, मेरी फिल्म अभी भी थिएटरों में चल रही है, तो मैं कोई दूसरी इमिजिएटली शुरू तो नहीं कर सकता. उसके लिए वक्त, उसके एक्सपेक्टेशन हाई होंगे. उसमें मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, उसके लिए बहुत सोचना पड़ेगा, आराम से काम करना पड़ेगा. तो आई वॉन्ट टू गिव अ वेरी गुड प्रोडक्ट, एंड यू नो इंशाल्लाह दबंग जितनी या उससे बड़ी हिट मैं कोशिश करूँगा देना. हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी. लिव इन पीस एंड हार्मनी.